अगर हम आपसे पूछें कि इस तरह के डिफरेंशिएशन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, और ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक की, जिसे देखते साथ ही आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जब भी डिफरेंशिएट करना हो, बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, एम की पावर एन, बेस एम है, पावर एन है, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए जस्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, होगा पहले सेम टर्म यहाँ आएगा, ये एज इट इज आएगा, उसके बाद तो कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू एम का डैश, यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस, अब पावर का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एम, लॉग एम यानी कि लॉग लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये क्या आ गया, यही डेरिवेटिव है जनाब। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ क्या करना है, बेस को m, पावर को n मानना है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ऐसे फंक्शन को आप बिना पेन का यूज करें डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है उसमें दो दो टर्म्स हैं, तो क्या करना है, जो ट्रिक मैंने आपको एक बार बताई है वो इसमें भी लगानी है और इसमें भी लगानी है, और फाइनली बहुत बड़ा सा आंसर आएगा, वो भी बिना डिफरेंशिएट करिए। ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको याद रखना है एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा फॉर्मूला। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हम दो बार इस ट्रिक को लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स, पहले पूरा आएगा एक्स की पावर साइन एक्स, उसके बाद पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन प्लस प्लस एन डैश यानी कि पावर का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ बेस यानी कि लॉग एक्स, तो ये क्या चीज आ गया, ये डिफरेंशिएट पहले पार्ट को आपने कर लिया, अब ऐसे ही दूसरे पार्ट को करते हैं, तो दूसरे पार्ट के डिफरेंशिएशन में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, पहले पूरा ऐसे ही आएगा फिर ब्रैकेट, फिर क्या होता है एन अपॉन एन यानी पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स प्लस, फिर अब पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसके बाद लॉग ऑफ बेस, लॉग एम यानी कि लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ बेस यहां बेस कौन है, साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, इसमें आप देख सकते हो कि पहले का आंसर प्लस दूसरे का आंसर, तो देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा जो इसका आंसर है वो हमने बिना डिफरेंशिएट किए ट्रिक से निकाला है, तो है ना जबरदस्त ट्रिक। तो अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेरिवेटिव निकाल पाओगे बिना डिफरेंशिएशन किए, है ना मजेदार बात। अब यहाँ पे फिर से हमारा वाई दो फंक्शन का सम है और दोनों इसी पैटर्न के हैं, तो फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए बेस कौन है, वन प्लस वन बाई, यहाँ बेस ये है और पावर ये है, लगाइए ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव होगा पहले तो ये ऐसे ही आएगा, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में पहले पावर आएगी और नीचे आएगा बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब पावर का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ बेस, बेस कौन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक। तो ये देखिए आपके पहले पार्ट का डेरिवेटिव हो गया है क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, प्लस अब बस ये चीज इसमें भी कर दो, डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो ये पूरा आएगा एक्स की पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, फिर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले पावर आएगी तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, फिर बेस आएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन प्लस, फिर क्या होता है पावर का डेरिवेटिव, तो x प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव वन और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ बेस यानी कि लॉग ऑफ x, ये देखिए ये पूरा बड़ा लंबा चौड़ा आंसर जो है वो भी आपने बिना डिफरेंशिएट किए आंसर निकाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साबित होगी ये ट्रिक रामबान। आई होप कॉन्सेप्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अब तक आप हमें सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस लेके हम हर रोज मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।